बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। जेपी नड्डा पटना पहुंच चुके हैं और वहां से हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से अब वो रोड शो करने वाले हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरे पटना का नज़ारा, आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से भीड़ लगी हुई है। अब हम आपको पूरे पटना का नज़ारा दिखाने जा रहे हैं, आपको हम पूरा पटना का नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। आप देख लें पूरा पटना जो है भागवा रंग में रंग चुका है। थोड़ी ही देर में जो है जेपी नड्डा बस पहुंच गए हैं, स्टेज शो कर रहे हैं, हाईकोर्ट की तरफ पहुंच चुके हैं और रोड शो करने के लिए रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं पूरे पटना का नज़ारा आपको हम दिखाने जा रहे हैं, किस तरह से जो है जगह जगह स्टेज बन चुका है, लोग हाथों में माला लेके मौजूद हैं इनके स्वागत के लिए। आप देख ले, आपको अब इनकम टैक्स है हम ले चल रहे हैं डाक बंगला की तरफ। आप डाक बंगला की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखते जाएंगे यहाँ पे भी जो है स्टेज बन चुका है, लोग इंतज़ार में हैं कि जेपी नड्डा कब यहाँ से गुजरे। देख लें रोड पे पटाखे भी बिक चुके हैं और इंतज़ार में हैं कि जेपी नड्डा जितने इधर से गुजरेंगे तो उनका तैयारी की जाएगी, सारी तैयारी कर चुके हैं लोग, बस इंतज़ार में हैं कि जल्द से जल्द जेपी नड्डा जो है यहाँ से गुजरें और जल्द से जल्द जो है उनके स्वागत में लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं एक बार यहाँ पे घोड़ों के साथ, आप देख लें घोड़ों के साथ हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर जो है यहाँ पे स्वागत के लिए लोग मौजूद हैं। आप देख लें ये पटना का नज़ारा है, आपको बता दें कि जेपी नड्डा आने वाले हैं और हम पटना का नज़ारा दिखाने जा रहे हैं आपको। आपको बता दें कि हाथी के साथ भी लोग मौजूद हैं, ये पटना का मौर्य लॉक की तरफ का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। आप देख लें यहाँ पे हाथी के साथ जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हाथी पे बैठे हुए हैं, बीजेपी का झंडा हाथों में है और हाथी के साथ जो है यहाँ पे मौजूद हैं जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए। आप देख लें स्टेज पे आपको लोग दिखेंगे, पूरे पटना में जो है स्टेज बन चुका है और लोग जो है जेपी नड्डा के स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब आपको हम आगे की तरफ ले चल रहे हैं, धीरे धीरे डाक बंगला की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं और पूरे पटना का नज़ारा हम पूरे पटना का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी देख लें लोगों की कमी आपको कहीं नहीं दिखेगी, जेपी नड्डा के इंतज़ार में लोग खड़े हुए हैं स्टेज पे जो है, लगातार जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जेपी नड्डा जो है यहाँ पहुँचे, उनके स्वागत में जो है लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं डाक बंगले चौराहे की तरफ। आप देख लें हर जगह आपको स्वागत का बोर्ड दिखेगा, चारों तरफ जो है नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह का फ़ोटो आपको छाया मिलेगा। पूरा पटना जो है वो भागवा रंग में जो है रंग चुका है, लोग इंतज़ार में हैं। आप यहाँ पे भी देख लें लोग जो हैं लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जेपी नड्डा जो हैं पहुँचे और उनके स्वागत के लिए बेसब्री से सुबह से लोग वेट कर रहे हैं। करीब 4-5 घंटे से लोग लगातार वेट कर रहे हैं और इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कितनी देर में जेपी नड्डा पहुँचेंगे और लोग इनका स्वागत करें। आपको बता दें कि हाईकोर्ट से निकल चुके हैं, अब धीरे धीरे वो पटना जेपी गोलंबर की तरफ पहुँचेंगे और पटना जेपी गोलंबर तक उनका रोड शो है। उसके बाद जो है वो आपको बता दें कि ज्ञान भवन में जाएंगे, फिर मौर्य लॉक में उनकी मौर्य होटल मौर्य में बैठक है जिसको लेकर लोग पूरी तरह से तैयार हैं। पूरे पटना का नज़ारा दिखा रहे हैं हम, आप देख लें चारों तरफ आपकी नज़र और हमारा कैमरा जहां तक भी जाएगा सिर्फ आपको लोग नज़र आएंगे, हाथों में माला लिए हुए, फूल लिए हुए, बीजेपी का झंडा हाथों में, तैयार है जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए और उनकी झलक पाने के लिए लोग जो हैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हम पहुँच गए हैं पटना के डाक बंगला चौराहा पर। आप देख लें एक बार पटना के डाक बंगला चौराहा का नज़ारा, चारों तरफ जो है पोस्टर से लोग पोस्टर दिखेगा, पूरा भागवा रंग में जो है रंग चुका है पूरा पटना का डाक बंगला चौराहा। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोगों के हाथों में आपको बीजेपी का झंडा दिखेगा, यहाँ पे ढोल के साथ देख लें ढोल नगाड़ों के साथ लोग मौजूद हैं। जैसे ही जेपी नड्डा यहाँ से गुजरेंगे आपको बता दें कि ढोल बैंड बाजों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा और लगातार जो है हम आपको पटना का नज़ारा दिखाने जा रहे हैं, पटना के कोने कोने का आपको नज़ारा हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो है लोग जेपी नड्डा के स्वागत को लेकर मौजूद हैं। अब हमारे साथ आगे बढ़ते चलें, हम आपको दिखाते रहेंगे। अब धीरे धीरे डाक बंगला चौराहा से हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, आगे की तरफ का भी आपको हम नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। धीरे धीरे जेपी गोलंबर तक पहुँचेंगे और जेपी गोलंबर तक आपको नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ देख लें स्टेज पे लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं जेपी नड्डा का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों की तादाद आपको कम नहीं दिखेगी, हर जगह जो है लोगों की तादाद भरी हुई है, लोग इंतज़ार में हैं कि जल्द से जल्द जेपी नड्डा पहुँचे और उनका स्वागत किया जाए। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको आगे तक ले चलेंगे और नज़ारा जो है आपको दिखाते रहेंगे। आप देख सकते हैं बीजेपी का झंडा
पूरे पटना में आपको हर जगह दिखेगा, हर होर्डिंग पे दिखेगा। आप देख सकते हैं पूरे तरह से जो है पटना को बीजेपी के झंडों के साथ जो है, आपको बता दें कि आप देख लें यहाँ पे भी लोग जा रहे हैं, बाइक पे भी लोग जा रहे हैं, लगा के बीजेपी का झंडा लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि करीब 2000 से ज़्यादा बाइक का शो चलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टेज बना हुआ है, आपको यहाँ पे भी जो है लोग नज़र आएंगे। यहाँ पे भी लगातार लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जेपी नड्डा का दिल से इंतज़ार कर रहे हैं। करीब 3 घंटे 4 घंटे से तैयार इंतज़ार में, आपको बता दें कि 10:30 में जेपी नड्डा पटना के एयरपोर्ट पहुँचे थे, वहाँ से वो हाई कोर्ट की तरफ गए हैं माल्य अर्पण करने, और वहाँ से उनका रोड शो जो है वो जारी है, और वो पटना के जेपी गोलम्बर तक ये रोड शो चलेगा। आप देख सकते हैं रोड पे आपको पुरुष और महिलाएं बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार आपको दिखेंगे। आप देख लें यहाँ का एक बार, आप नज़ारा देख लें किस तरह से पूरे रोड पे सिर्फ महिलाएं जो हैं उनका इंतज़ार कर रही हैं, और हाथों में फूल है। आप देख लें पूरी तरह से जो है लोग तैनात हैं कि जेपी नड्डा का एक झलक पाने के लिए लोग जो हैं मौजूद हैं यहाँ पटना के। आपको बता दें अब जो है हम धीरे धीरे जेपी गोलम्बर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको हमने डाक बंगला दिखाया, इनकम टैक्स दिखाया, पूरे पटना में आप देख सकते हैं चारों तरफ आप देख लें नज़ारा सिर्फ बीजेपी का आपको होर्डिंग ही दिखेगा। हर जगह जो है इंतज़ार में है कि जेपी नड्डा, आप देख लें ये सब रोड खुला रहता था मगर ये भी अभी बंद है, पूरा इंतज़ार में है। पुलिस की भी काफ़ी कड़ी सुरक्षा है, काफ़ी बड़ा व्यवस्था की गई है ताकि गलती से भी कोई चूक ना हो। लगातार हम आपको पूरे पटना का नज़ारा दिखाते आ रहे हैं, यहाँ भी देख लें यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं ढोल बजाने के साथ, और सबके हाथ में आपको फूल दिखेगा। देखिए इंतज़ार में बैठे हैं कि कब जेपी नड्डा यहाँ से गुजरें और जो है उनके ऊपर फूल की बारिश हो और उनका स्वागत किया जाए फूल की बारिशों के साथ। आप देख ले यहाँ का नज़ारा, चारों तरफ आपको स्टेज दिखेगा, हर एक चीज़ का इंतज़ाम है, पानी से लेके खाने का भी इंतज़ाम है, लोगों के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है यहाँ हर तरह लोग दिखेंगे। आप देख लें यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी कोई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, देख लें चारों तरफ जो है आपको दिखेंगे। यहाँ पे इंतज़ार में है कि कब, आप देख सकते हैं टोकरियों में भी फूल जो है रखे हुए हैं, इंतज़ार में है लोग कि कब जेपी नड्डा पहुँचे। अब आपको हम ले चलते हैं पटना के जेपी गोलम्बर के पास, जहाँ पे उनका स्टेज शो ख़त्म हो जाएगा। आपको बता दें कि लगातार आपको पूरे पटना की तैयारी हमने दिखा दी है, किस तरह से जो है लोग जेपी नड्डा के स्वागत के में खड़े हैं, किस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जेपी नड्डा जल्द से जल्द पहुँचे और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग जो हैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हम पहुँच गए आपको पटना के जेपी गोलम्बर पर, आप देख लें यहाँ का भी जेपी गोलम्बर का एक नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर जो है लोग इंतज़ार में हैं, खड़े हैं, तैयार हैं लोग कि जेपी नड्डा जी आए, जल्द से जल्द स्वागत किया जाए। अब आपको हम पटना के जेपी गोलम्बर के का नज़ारा दिखा रहे हैं, यहाँ जो स्टेज बना हुआ है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हर एक चीज़ का इंतज़ाम है। आपको यहाँ का भी नज़ारा दिखाते हैं किस तरह से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपने देखा पूरे पटना का नज़ारा हमें आपको दिखाया, अभी हम मौजूद हैं जेपी गोलम्बर पे, आप देख लें यहाँ का एक बार नज़ारा देख लें। आपको स्टेज का नज़ारा हम दिखाने जा रहे हैं, आप देख लें यहाँ पे है लोग इंतजार में हैं कि जेपी नड्डा पहुंचे, और उनके इंतजार में यहाँ स्टेज पे लोग आ चुके हैं। आपको बता दें ताकि जेपी नड्डा थोड़ी ही देर में पहुंच जाए, किसी प्रकार की कोई तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे से जुड़े रहे, तब तक के लिए आपका बहुत